नमस्कार आप सभी का स्वागत है मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं एन का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और एन इवेंट्स का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल हम लेकर हाजिर हैं अपना एक खास सेशन लेकर जिसका शीर्षक है ऑनलाइन ओरिएंटेशन ऑफ प्रशस्त ऐप ऑन बिहाफ ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी इसकी तरफ से मैं हाजिर हूँ ये सेशन लेकर ऑनलाइन ओरिएंटेशन है प्रशस्त ऐप का आप इसके बारे में कुछ तो जानते भी होंगे और कुछ जो नहीं जानते हैं वो आज जरूर जान जाएंगे ऐसा हमारा प्रयास रहेगा लाइव इंटरेक्टिव सेशन है आप चाहें तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं एट एट जीरो जीरो फोर फोर जीरो नंबर विद द हेल्प ऑफ इट यू कैन कनेक्ट विद अस डायरेक्टली हमारे साथ दो खास मेहमान हैं मैं आपका परिचय कराता हूं हमारे साथ डॉक्टर भारती कौशिक हैं आप एसोसिएट प्रोफेसर हैं सी आई टी एन सी आई टी में मैम नमस्कार आपका बहुत बहुत स्वागत है और हमारे साथ मिसेस आशना नागपाल हैं आप सीनियर टेक्निकल कंसल्टेंट हैं आशना नमस्कार, नमस्कार आपका भी बहुत बहुत स्वागत है आ, ये दोनों ही लोग जो है यहाँ पर एज एन एक्सपर्ट मौजूद हैं और प्रशस्त से जुड़े हुए आपके जो भी प्रश्न हैं जो भी जिज्ञासाएं हैं जो भी क्वेरीज हैं फील फ्री टू कॉल अस फील फ्री टू आस्क अस आप चाहें तो हमें यूट्यूब पर भी कोई अपना प्रश्न भेज सकते हैं हम उसे यहाँ जरूर साझा करने का प्रयास करेंगे सो वुड लाइक टू बिगिन दिस सेशन विद डॉक्टर कौशिक आपका एक बार पुनः स्वागत और वाई डू वी नीड प्रशस्त ऐप जैसा मैंने इसके बारे में पढ़ा भी है ये एक बहुत अच्छी इनिशियल लेवल की एक ऐसी एप्लीकेशन है जो हर एक स्पेशल एजुकेटर के लिए एक एडमिनिस्ट्रेटर के लिए जो एजुकेशन सेक्टर में काम कर रहा है बहुत अच्छी एप्लीकेशन है बट फिर भी इसका जो एक मोटो है डू वी नीड इट राहुल आपने बहुत अच्छी तरह से शुरुआत किया की कि एक ऐप है जिसकी जरूरत स्पेशल एजुकेटर्स को तो है ही है एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए भी है इसकी जरूरत हर उस टीचर के लिए भी है जो अपने अपने विद्यालयों में गणित भाषा ई वी या कुछ भी पढ़ा रहे हैं इनको हम यूजुअली कहते हैं जनरल टीचर्स या रेगुलर टीचर्स इनको जनरल टीचर्स और रेगुलर टीचर्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इनकी जो ट्रेनिंग है वो पढ़ाने में हुई है करिकुलर के जो एस्पेक्ट्स हैं डिसिप्लिन हैं करिकुलर सब्जेक्ट्स हैं उनके ट्रांजेक्शन में हुई है तो शायद इन्होंने अपनी ट्रेनिंग के दौरान कुछ ना कुछ तो जरूर पढ़ा होगा डिसबिलिटीज के बारे में चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के बारे में लेकिन जब बात आती है कि आपकी अपनी क्लास में पहचानना कि ऐसे कौन कौन से बच्चे हैं जो आपके सामने बैठे हैं कक्षाओं में और उन बच्चों में से ऐसे कितने बच्चे हो सकते हैं जिनको जो उनके बिहेवियर्स हैं वो डिसेबिलिटी के कारण वैसे बिहेवियर दिख रहे हैं जैसे बच्चा आपकी बात नहीं मानता बच्चा चलते हुए लड़खड़ा जाता है बच्चा ठीक से सुनता नहीं है या जब आप उसको कहते हैं कि आप बोल करके कुछ समझाओ तो वो नहीं समझा पाता लेकिन वही चीज़ वो लिख करके बहुत अच्छी तरह कर देता है या कई बार वो लिखित में इतना अच्छा नहीं होता लेकिन बोलने में बहुत अच्छा होता है कई बार कुछ बच्चे सिर्फ गणित में बहुत कमजोर दिखाई देते हैं हमें या कई बार कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो हमें लगता है कि जान करके वो कुछ ऐसी शरारतें कर रहे हैं कि टीचर इरिटेट हो रहा है क्लास में या बाकी साथी उससे प्रभावित हो रहे हैं उसका बिहेवियर ही कुछ ऐसा होता है कि इट अपियर्स एज इफ द चाइल्ड इज डूइंग इट ऑन पर्पज टू इरिटेट द पीयर्स और द टीचर्स बट टाइम्स इट हेज बीन फाउंड दट दिस बिहेवियर में डिसबिलिटी कंडीशन और द चाइल्ड मे नीड सम सपोर्ट इन मैनेजिंग दिस बिहेवियर इन सारे लक्षणों को पहचानने के लिए हमारी जो रेगुलर टीचर्स हैं कंटेंट टीचर्स हैं उनका भी स्क्रीनिंग में कोलेबोरेशन पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है इसी चीज को ध्यान में रखते हुए प्रशस्त असेसमेंट होलिस्टिक स्क्रीनिंग टूल फॉर स्कूल्स बनाया गया जिसके दो पार्ट हैं। पार्ट वन में राहुल हम क्या करते हैं हम रेगुलर टीचर्स को कहते हैं कि आप इसकी सहायता से बच्चों को स्क्रीन करें ठीक है। अब आपने ऐप आप की बात की तो प्रेशर्स बोथ बुकलेट और एंड्राइड ऐप की फॉर्म में है तो थोड़ा सा देख लेते हैं कि किस तरह से रेगुलर टीचर्स अपने आप को ऐप पर रजिस्टर कर सकते हैं जी। और उसके बाद उसमें काम कर सकते हैं please, please. तो शुरू करें हम थोड़ा सा अपना पावर पॉइंट से जी, तो अब आपकी स्क्रीन पर जो पीपीटी आ रही है हाँ ये जब आप अपने प्ले स्टोर में जाकर के ढूंढेंगे प्रेशर्स को तो आपको ये वाला आइकन दिखेगा तो आपको ऐसे ही आइकन पर क्लिक करना है और डाउनलोड करना है आप अच्छा ये तो वही है बैकग्राउंड कि हमें क्यों यूनिवर्सल स्क्रीनिंग की जरूरत है और आज के संदर्भ में ये इसलिए भी ज्यादा जरूरी है बिकॉज टुडे वी रिकॉग्नाइज 21 वन डिसबिलिटी कंडीशन दैट टू आफ्टर द राइट ऑफ पर्सन विद डिसबिलिटीज एक्ट 20 एंड वाई दिस स्क्रीनिंग टूल क्योंकि इतनी सारी डिसबिलिटी कंडीशन है और हर डिसबिलिटी कंडीशन का अपना एक सिम्टम्स है बिहेवियर सिम्टम्स है और किसी एक व्यक्ति से ये उम्मीद करना कि उसको सारी बिहेवियर्स के सिम्टम्स पता होंगे डिसबिलिटी के तो वो शायद संभव नहीं होगा तो इसीलिए इस स्क्रीनिंग बुकलेट की हमें जरूरत पड़ी पड़ेगी ये वो सारी डिसबिलिटी कंडीशन है जो आरपीडब्ल्यू डी एक्ट ट्वेंटी सिक्सटीन में पहचानी जाती हैं Legally, हम हमें इन सारी डिसेबिलिटी को सपोर्ट करते हुए क्लासरूम्स में काम करना है अब प्रशस्त पे कौन कौन काम कर सकता है hmm. तो प्रशस्त में काम कर सकते हैं एप पर प्रिंसिपल टीचर्स और स्पेशल एजुकेटर्स okay. अब हर एक का काम हम वन बाय वन देखेंगे आशना कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें आप नहीं ओके yes. okay. तो ये जो अभी स्क्रीन पर आ रहा है आपका लैंडिंग पेज फर्स्ट स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है वो है कि किस तरह से आपको एंड्रॉयड प्ले स्टोर में प्रेशर्स दिखेगा और आपको वहां से कैसे डाउनलोड करना है सेकेंड स्क्रीन जब ये आपके फोन पर ओपन होता है मोबाइल पर और थर्ड स्क्रीन प्रेशर्स का ये लैंडिंग स्क्रीन है जहां पर आप देख सकते हैं ये आपसे पूछ रहा है लॉग करना है या आपको रजिस्टर एज ए न्यू यूजर करना है या आपको प्रेशस ई बुक डाउनलोड करनी है या प्रेश एफएक्यूज़ आपको वहां तक पहुंचना है तो आपको एफ की बात हो या प्रेश की बुकलेट की बात हो आपको रजिस्ट्रेशन से पहले ही आप प्रेशस की बुकलेट या एफ तक आप पहुंच सकते हैं तो उसके लिए आपको ऐप आप पे रजिस्टर करने की भी जरूरत नहीं है तो ये आपका जो लास्ट अब आपकी जो स्क्रीन पर दिख रहा है स्क्रीन पीपीटी पर जो लास्ट स्क्रीन दिख रही है वो एफ हैं है आप देखेंगे एफ ए क्यूज में क्वेश्चन डिफरेंट कलर से हमने दिए हैं और ब्लैक कलर में उसका आंसर है ये वो क्वेश्चन है जो अक्सर हमारे हेल्प डेस्क पर आते हैं प्रेशर्स के बारे में hmm. कि प्रेशर्स को कौन इस्तेमाल कर सकता है और फॉर विच क्लासेस प्रशस्त ऐप कैन बी यूज तो इन सारे आपके ऐसे प्रश्न जो अक्सर हमसे पूछे जाते हैं हेल्प डेस्क पर इसको हमने कलेक्ट किया और वो एफ में हमने डाल दिया और ये एफ हम अक्सर अपडेट भी करते रहते हैं डिपेंडिंग ऑन कि कितने कौन सा क्वेश्चन कितनी ज्यादा बार आ रहा है ओके okay. अब प्रशस्त पर जब आप लॉग इन करते हैं तो आप देखिए कि आप किसी भी कोई भी मोबाइल ऐप जब आप डाउनलोड करते हैं तो वो आपसे अक्सर पूछता ही आप अपना ईमेल आईडी भी बनाते हैं तो कहते हैं कि अगर एग्जिस्टिंग तो यूजर है तो लॉग इन करने और नए यूजर हैं तो आपको रजिस्टर करना है बिल्कुल वैसे ही प्रशस्त ऐप पर आप लॉग इन इन रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है ठीक है okay. फिर अब एक सवाल जो हमारी टेक्निकल टीम के पास अक्सर हेल्प डेस्क में आया वो ये कि ओ नहीं आ रहा है जी। तो इसके लिए हमने क्या किया हमने ये पाया कि मैक्सिमम यूजर्स के पास गूगल का मेल आईडी है या उनके पास याहू का ई मेल आई है तो हमने किया आप देखिए पहले वाला जो पीपीटी पहला जो स्क्रीन है, है? उसके नीचे आप देखिए जी का जी है right. और याहू का वाई है जी. तो अगर आपकी जी मेल आई डी है या याहू आई है तो हुँ. आप सीधा जी पर क्लिक करिए या वाई पे क्लिक करिए okay. जैसे ही आप वो करेंगे आपका ऑटो आप अपनी मेल आई देंगे पासवर्ड देंगे आपका ऑटो रजिस्ट्रेशन करके आपका मिडिल स्क्रीन खुल जाएगा वहां पर तो उसके लिए आपको ओ की वेट करने की भी जरूरत नहीं है यानी हमारी एप्लीकेशन उनके ईमेल आईडी को ऑटो ऑथेंटिकेट करेगी और, तो और, और, और वो कर करेंगी करेंगी। और उनका रजिस्ट्रेशन ऑटोमेटिकली हो जाएगा है? लेकिन राहुल अगर आपके पास जी और याहू आई नहीं है, है तो क्या करना हुँ. है तो उसके लिए आपको अच्छा उससे पहले एक चीज और ये आपकी जो स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा है ये इतनी सारी लैंग्वेजेस में हमारी प्रशस्त अवेलेबल है ओके okay. तो so, ये ऐप आप, अगर आपको जिस भी लैंग्वेज में देखना है आप उस लैंग्वेज में क्लिक करेंगे आइकन को और इस पेज तक आप कहा पहुं, पहुंचेंगे टॉप राइट हैंड कॉर्नर पर आप देखिए आपको दो अल्फाबेट्स दिखेंगे एक इंग्लिश लैंग्वेज का और एक हिंदी लैंग्वेज का तो अगर आप वहां क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पर पहुंचेंगे जो आपको लैंग्वेज चेंज करने का ऑप्शन देता है।, है जैसे अगर यहाँ पे हमने दिखाया हिंदी पे क्लिक किया जी. तो नेक्स्ट स्क्रीन आप नेक्स्ट जो स्लाइड है आपकी वो आपको हिंदी में दिखा रही है प्रशस्त किया अब अब रजिस्टर एज ए न्यू यूजर जब आपके पास गूगल यानी जी या याहू आई नहीं है तब आप कैसे करेंगे तो पहली स्क्रीन पर देखिए आपको आपका ईमेल डालना है अब आपकी ये रेडिफ मेल की ईमेल हो सकती है हॉटमेल की हो सकती है या कोई और ईमेल हो सकती है।, है आपने वो ईमेल डाला नेक्स्ट पे क्लिक किया नेक्स्ट पे क्लिक करते ही आपके पास एक मैसेज आ जाता है कि वी हैव सेंड अ OTP, verification code, जो आपका मिडिल वाले स्क्रीन पर है mm -hmm. आपको वो आपके इनबॉक्स से रिट्रीव करना है और यहाँ पर देना है ये ओ आपका सिर्फ और सिर्फ दो मिनट तक के लिए वैलिड है okay. हाँ. अगर किसी का ओ टी पी नहीं आता है hmm. तो ऐसे हमने ओ का डाला है ट्वेंटी फोर आवर्स तक का जैसे अगर सपोज करिए किसी का ओटीपी नहीं आता hmm. है तो हमने नीचे एक ऑप्शन दिया है ऑलरेडी है आप उस पे क्लिक करके आपका ओ जब भी आता है अपने स्पैम स्पैम फोल्डर में चेक करिए अपने जंक फोल्डर में चेक करिए अगर उनमें ओ आ रहा है ट्वेंटी फोर आवर्स तक में ओटीपी वैलिड है आप उसमें डाल सकते हैं और आगे इस प्रोसेस को कंटिन्यू कर सकते हैं तो अर्चना okay. इसका मतलब यह हुआ ये हुआ कि अभी चेंज हमने ये भी किया है कि दो मिनट से हमने उसको बढ़ा करके चौबीस घंटे का कर कई यूजर्स को ओटीपी नहीं आ रहा था या डिले ओ आ रहा था इसलिए हमने एक ऑप्शन डाला है ऑलरेडी हैव एन ओ स्क्रीन पे दिख रहा है बिल्कुल बिल्कुल तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जैसे ही ओटीपी आए आपके इनबॉक्स में आ जाए तो आप इमीडिएटली डाल दीजिए और अगर दो मिनट से ऊपर हो जाए तो फिर आप ऑलरेडी हैव एन ओ को क्लिक करके आप उसी ओटीपी को आप इस्तेमाल कर सकते हैं ठीक है अब यहाँ पे कई बार ऐसा होता है कि आपको आपके इनबॉक्स में ओटीपी नहीं रिफ्लेक्ट होता तो उस केस में आपको क्या करना है आपको अपना स्पैम फोल्डर भी चेक करना है कई बार आपका ओ स्पैम फोल्डर में आता है तो ये हुआ उन यूजर्स के लिए जिनके पास जी या याहू आई नहीं है तो वो okay. लोग भी हमारे प्रशस्ट पर काम कर सकते हैं पर रजिस्ट्रेशन के लिए आपको ओ के थ्रू से गुजरना होगा okay. जब एक बार आपका रजिस्टर एज न्यू यूजर हो जाता है तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है लॉजिकल स्टेप है कि आप अपना प्रोफाइल बनाएंगे ठीक है तो वही आपको क्रिएट एन अकाउंट करना है पहली स्क्रीन पे दिख रहा है आपको नेम जेंडर सेलेक्ट करना है डेजिग्नेशन सेलेक्ट करना है डेजिग्नेशन तीन डेजिग्नेशन में से आपको एक सेलेक्ट करेंगे जो है या तो स्पेशल एजुकेटर या रेगुलर टीचर या आपके प्रिंसिपल तो अगर आपका डेजिग्नेशन कुछ और भी हो लेकिन ऐप आप पर आपको इन्हीं तीनों में से किसी एक, एक को सेलेक्ट हो करना होगा देन okay. आपको आपका फोन नंबर देना है और फोन नंबर देने के बाद नेक्स्ट स्क्रीन पर आप देख रहे हैं रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको आपके स्कूल का यूडाइस कोड भी देना होगा hmm. जैसे ही आपका आप अपने स्कूल का यूडाइस कोड भरते हैं इफ यू गिव योर करेक्ट यूडाइस कोड एसोसिएटेड विद योर स्कूल द लास्ट स्क्रीन शोज ऑल द इंफॉर्मेशन दैट द एप ऑटोमेटिकली फ्रॉम द यूडाइज कोर्ट क्योंकि ये सारी इंफॉर्मेशन आपको फिर भरनी नहीं है कि आपका स्कूल का नाम क्या है डिस्ट्रिक्ट mm -hmm. क्या है ब्लॉक क्या है यह सारी इन्फॉर्मेशन यूडाइज कोड से लिंक है एंड ऐप ऑटोमेटिकली फैच इज इट फ्रॉम द यूडाइज कोर्टल बिकॉज वो यहां पर एक कंपेटिबिलिटी है तो आपका आता है रजिस्टर्ड सक्सेसफुली नाउ आई अर्ज ऑल द व्यूअर्स this message you may like to take a screenshot of this message and keep it somewhere safe why this is relevant many a times at our help desk we receive queries that the principal has not received a verification mail okay. requesting the teachers and special educator to be verified okay. now as why this happens as this message shows that uh, process Haan. the application using the mail id so and so Haan.

जाएगा आपको वेरीफाई करने के लिए जब तक प्रिंसिपल आपको वेरीफाई नहीं कर देता तब तक आप इस ऐप में आगे नहीं बढ़ पाएंगे एज अ टीचर एज अ स्पेशल एजुकेटर और प्रिंसिपल के लिए अगर ये मेल आईडी जो मतलब यूडाइस से एफिलेटेड नहीं होगी तो प्रिंसिपल सेल्फ वेरिफिकेशन भी नहीं कर पाएगा इसलिए इस इस इस, इस आ, पेज का स्क्रीनशॉट लेना आपके लिए बहुत जरूरी है और इसको सेव कर लीजिए इस राइट right. क्योंकि और ये इसलिए भी स्टेप जरूरी है इफ आई मे ऐड कि कई बार होता है कि जब आपने अपने स्कूल को यूडाइज पोर्टल पर रजिस्टर किया होगा तो उस वक्त प्रिंसिपल आपके कोई और रहे होंगे उसके बाद हो सकता है प्रिंसिपल का ट्रांसफर हो गया हो रिटायर हो गए हों कोई नई प्रिंसिपल आ गए हों लेकिन वो जो ईमेल आईडी जिस ईमेल आईडी से आपने अपने स्कूल को यूडाइस पोर्टल पर रजिस्टर किया है वो ई मेल प्रिंसिपल का है और उसी ई मेल से प्रिंसिपल प्रशस्त पर काम कर पाएंगे ठीक है अब क्योंकि भूल जाएंगे अगर भूल गए प्रिंसिपल चेंज हो गए कुछ हो गया तो okay. वो ई मेल आई डी कहां पता है हमें इसीलिए इस मैसेज का रेलिवेंस है जो आपकी स्क्रीन पर है तो ये जैसा आशना ने कहा अभी टीचर का भी ई मेल आई डी दे रहा है आपको कि आपने रजिस्टर्ड इस ई मेल आई डी से किया है और हमने वेरिफिकेशन रिक्वेस्ट प्रिंसिपल को इस मेल आई डी पर दिया है okay. तो ये एक रेडी रेकनर जैसा है हुँ. प्रिंसिपल जो है वो उनको आथे, मतलब आथे करेंगे कि और ये ऑथोराइजेशन इसलिए जरूरी है क्योंकि हम लोग बच्चों से जुड़ी जानकारी के ऊपर यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं और आपको पता है बच्चे कितने एज के हैं और उनका डेटा प्रोटेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है और यहाँ पर एक तो बच्चे और ऊपर से वो बच्चे जिनकी कुछ कुछ स्पेशल नीड्स है तो इसीलिए हमने ये इंटरनल चेक्स एंड बैलेंसेस रखे हैं ताकि डेटा सही हाथों तक रहे अब चलिए मानते हैं कि टीचर ने लॉग इन भी कर लिया रजिस्टर भी कर लिया और प्रिंसिपल ने वेरीफाई भी कर दिया तो उसके बाद जो टीचर का लैंडिंग पेज है वो पहली स्क्रीन पे दिख रहा है okay. जहां पर प्रशस्त और वेलकम आदिगर आया हुआ है तो आदिगर कौन है ये हमारे एक डमी टीचर हैं, जिनका हमने ये स्क्रीनशॉट लिया हुआ है इनके छ एक्शन पॉइंट्स हैं माय सर्वे अपडेट्स अबाउट प्रशर्स प्रोफाइल प्रशर्स ई और एफ तो अब माई प्रोफाइल पर अगर मैं क्लिक करती हूं तो टीचर का जो भी डिटेल अवेलेबल है जो रजिस्ट्रेशन अकाउंट क्रिएशन के टाइम पे लिया है और यूडाइस कोड से जो लिंक्ड है वो इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो जाएगी तो टीचर वो देख सकते हैं उसके बाद अगर आप अपडेट्स पे क्लिक करते हैं तो फिर आपके पास थर्ड स्क्रीन खुलती है जिसमें प्रेशर्स के अपडेट्स के बारे में है कि प्रेशर्स का कौन सा वर्जन अभी अवेलेबल है और अबाउट प्रेशर्स में क्लिक करते हैं तो अबाउट प्रेशर्स में आपको मिडिल स्क्रीन खुलती है जहां पे precious के बारे में बहुत संक्षेप में बताया गया है कि ये क्या है और इसकी जरूरत क्यों है ऐसे हम पहले देख चुके हैं अब माय सर्वे पर अगर मैंने क्लिक किया और मेरा प्रिंसिपल ने अभी वेरिफिकेशन नहीं किया है तो मुझे ये वाला मैसेज देगा दिखाई देगा वेरीफिकेशन इज

फिर आप माई सर्वे पर क्लिक करते हैं तो आपके पास सेकेंड स्क्रीन खुलती है जिसमें अभी ब्लैंक है okay. क्योंकि आपने अभी किसी भी स्टूडेंट को इसमें ऐड नहीं किया है तो आप बॉटम okay. पे जाकर के देखिए स्टार्ट सर्वे आएगा स्टार्ट सर्वे okay. को क्लिक करते ही आपके पास थर्ड स्क्रीन खुलती है जिसमें आता है ऐड स्टूडेंट student. तो स्टूडेंट्स को आप ऐसे ऐड कर सकते हैं राइट okay. सारे डिटेल्स आपको देने हैं और फिर जैसे ही आप स्टूडेंट्स को ऐड करेंगे उसके बाद जब आप देखते हैं तो आपका फिर क्लास वाइज लिस्ट जनरेट होनी शुरू हो जाती okay. है फिर वो क्लास टू के दो स्टूडेंट को जैसे अभी इस टीचर ने ऐड किया हुआ है।, किया है अब देखते हैं कि हम क्लास टू पर अगर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने क्या खुलता है हमारे सामने खुलते हैं दो आशना का रिकॉर्ड ओके okay. आशना वन एंड आशना टू आशना वन के लिए आप देखेंगे नीचे ग्रीन डॉट्स हैं तो आशना ये तीनों ग्रीन डॉट्स का क्या मतलब है यहाँ पर मैम इन तीनों ग्रीन डॉट्स का मतलब है कि आपका डाटा जो है वो सेव भी हो चुका है सबमिट भी हो चुका है और स्पेशल एजुकेटर ने उसे रिव्यू भी कर लिया review है जबकि सेकंड में हम देखेंगे कि इससे डॉट्स तीनों हैं बट उसमें ग्रीन कलर नहीं है इसका मतलब कि आपने इसका सर्वे स्टार्ट किया था बट आप इसे कंप्लीट नहीं कर पाए इसलिए आपका ये सर्वे अभी सेव भी नहीं हुआ है सबमिट भी नहीं हुआ है और स्पेशल एजुकेटर के पास तो पहुंचा ही पहुंचा नहीं। ही नहीं तो so, इसका मतलब ये एक्शन पॉइंट अभी भी हमारी रेगुलर टीचर के हाथ में है ठीक है अब रेगुलर टीचर को करना क्या है जब वो सपोज दूसरी वाली आशना के लिए वो सर्वे भरना करते हैं। तो अब पे आपको स्टूडेंट डिफिकल्टी इन वॉकिंग और नीड सपोर्ट टू वॉक और क्लाइम स्टे इस विद्यार्थी को चलने में दिक्कत होती है कठिनाई होती है या इसको सीढ़ियां उतरने और चढ़ने में सहारे की जरूरत होती है ऐसी ऐसी बिहेवियर स्टेटमेंट्स हैं। इन सारी बिहेवियर स्टेटमेंट्स में से जो भी बिहेवियर जिस बच्चे के लिए आप सर्वे भर रहे हैं उसके लिए अप्लाई होता है तो आपको वहां पे सिर्फ सही का निशान लगाना है चे चेक करना है उस बॉक्स को और जिसको आप नहीं चेक करेंगे वो ऑटोमेटिकली हम एज्यूम कर लेते हैं ऐप पर कि वो बिहेवियर अप्लाई नहीं, नहीं हो रहा है।, है और आप देखेंगे कि यहाँ पे जो स्टेटमेंट्स का नंबर है वो कोड्स में है 1.3 1.2 सीरीज में नहीं है दिस शोज की ये कोडिंग इसलिए की है ताकि आप ऑटोमेटिकली इसको रिलेट कर ले डिसेबिलिटी कंडीशन के साथ में तो यहां तक का जो काम है ये हमारा रेगुलर टीचर का अब जैसे ही रेगुलर टीचर वहां तक अपना काम खत्म करते हैं हमारी बारी आ जाती है स्पेशल एजुकेटर्स की okay. तो स्पेशल एजुकेटर को भी वही प्रोसेस फॉलो करना है जो रेगुलर टीचर ने किया रजिस्टर किया अकाउंट क्रिएट किया hmm. प्रिंसिपल से वेरीफाई कराया जब प्रिंसिपल से वेरीफाई करा लेते हैं तो स्पेशल एजुकेटर की ये वाली स्क्रीन आ जाती है जिसमें अगेन सिक्स एक्शन पॉइंट है okay. अब ये सारे एक्शन पॉइंट बिल्कुल वैसे ही है जैसे रेगुलर टीचर के लिए है सिर्फ एक अंतर है कि जब आप यहां सर्वे लिस्ट खोलते हैं तो रेगुलर टीचर की सर्वे लिस्ट में आप सीधा क्लास तक पहुंचते हैं या बच्चे तक पहुंचते हैं right. यहां पर पहले आप पहुंचेंगे स्कूल्स में क्योंकि एक स्पेशल एजुकेटर एक से ज्यादा स्कूल के साथ अटैच होता है तो आप यहां देखेंगे ये जो हमारी स्पेशल एजुकेटर हैं आशु ये तीन स्कूल्स के साथ अटैच है और तीन में से सिर्फ एक प्रिंसिपल ने इनको वेरीफाई किया है ओके। okay. बाकी दोनों प्रिंसिपल्स के नीचे आप देखिए स्कूल के नीचे आ रहा है नीड वेरिफिकेशन right. रेड कलर में hmm. तो इसका मतलब वहां से अभी वेरिफिकेशन नहीं, नहीं हुआ।, हुआ।, हुआ है तो अब क्या है अगर मैं सर्वे लिस्ट में पहले स्कूल पे क्लिक करूं जहां पे आशु वेरीफाइड है okay. तो मेरे पास खुलेगी क्लासेस जहां आप देख सकते हैं प्री प्राइमरी से लेकर के बाकी की क्लासेस भी हैं तो ये क्लास ट्वेल्थ तक सर्वे आपका एप्लीकेबल है अब एक पर्टिकुलर क्लास को अगर मैं क्लिक करूं मैंने क्लास फोर को क्लिक किया है आशु तो मेरे पास स्टूडेंट्स के डिटेल खुलने शुरू हो जाते हैं फिर okay. मुझे लग, समझ में आता है कि इस स्टूडेंट का ये डेटा है इतना काम हो गया और मेरे एंड पर क्या करना है बहुत क्विकली देखते हैं कि स्पेशल एजुकेटर को क्या करना है ओके okay. चिराग को अगर मैं क्लिक करूं क्योंकि देखिए जो थर्ड स्टूडेंट है चिराग फोर्थ स्टूडेंट तो चिराग का प्रोफाइल खुल गया मेरे सामने सेकंड स्क्रीन पर और प्रोफाइल में आप देखिए व्यू सर्वे का एक ऑप्शन आ रहा है और आ रहा है part one. Part one में जो डिसबिलिटीज हैं वो लोकोमोटर हो सकती है है yeah, है या स्पेसिफिक लर्निंग और दो से ज्यादा जैसेबिलिटीज आती हैं तो ऐप अपने आप मल्टीपल डिसबिलिटी का ऑप्शन दे देता है okay. तो इसका मतलब पार्ट वन में टीचर ने जितनी स्टेटमेंट्स को चेक किया उसके बेसिस पर ऐप ने ये सारी डिसबिलिटीज को यहां पर टेंटेटिवली लिस्ट कर दिया अब बींग स्पेशल एजुकेटर मुझे लगता है कि नहीं मुझे देखना है कि रेगुलर टीचर ने किस बिहेवियर को चेक किया है तो मैं व्यू सर्वे पे जाऊंगी और जो थर्ड स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है वहां पर वो चार स्टेटमेंट्स आ गई जो हमारी रेगुलर टीचर ने चेक किया है अब उन स्टेटमेंट के बेसिस पर मुझे लास्ट स्क्रीन में चूज करना है कि कौन सी डिसेबिलिटी है जो है डिसेबिलिटी सस्पेक्टेड आफ्टर पार्ट टू अभी भी हम यहां पर कह रहे हैं सस्पेक्ट डेड अभी भी हम ये नहीं कह रहे हैं कि यही डिसेबिलिटी होगी हम सर्टिफाई नहीं कर रहे हैं हम लेबल नहीं कर रहे हैं और फिर आपको ऑब्जर्वेशंस देनी है ऑब्जर्वेशंस का मतलब कि लोकोमोटर डॉर्फीज्म एसएलडी या मल्टीपल में से आपको क्या लगता है और क्यों लगता है कि ये डिसेबिलिटी हो सकती है आपको वो ऑब्जर्वेशन देनी है फिर पार्ट टू बिहेवियर जो है चेकलिस्ट उसमें ट्वेंटी वन डिसबिलिटी कंडीशन के डिफरेंट डिफरेंट चेकलिस्ट हैं छोटी छोटी उसमें से जो प्रोमिनेंट बिहेवियर हैं जिनके लिए हमें इमिजिएट हेल्प देने की जरूरत है उनको हमने स्टार किया है okay. तो स्पेशल एजुकेटर से एक्सपेक्टेड है कि वो पार्ट टू को अच्छे से पढ़ेंगे okay. और जो डिसेबिलिटी वो वहां पर दे रहे हैं अपनी ऑब्जर्वेशन में और सेलेक्ट कर रहे हैं आफ्टर पार्ट टू अगर उसमें उस बच्चे में कोई स्टार्ट बिहेवियर अप्लाई होता है तो उसको आप येस या नो करेंगे ओके। okay. so, ये दोनों चीजें हमारी जनरल टीचर और स्पेशल एजुकेटर। प्रिंसिपल का, का भी एग्जैक्टली exactly बिल्कुल इसी तरह से काम उन, है। उनके भी इंटरफेस डिफरेंट होंगे और तो बहरहाल समय की अपनी जी। क्योंकि एक सवाल और भी है मेरे जहन में जैसे हमने जनरल टीचर्स की बात की स्पेशल एजुकेटर्स की बात की क्योंकि स्पेशल का काम वो आसान कर रहा है, 21 है जो डिफाइंड है एक्ट में और उनकी स्पेशलाइजेशन सब में तो संभवता नहीं, नहीं हो सकती है हाँ। तो वो जस्टिफाई भी नहीं हो पाएगा तो जनरल टीचर्स उनकी हेल्प कर रहे हैं ऐसा संभव है कि एक ही बच्चे का डेटा दोबारा एप्लीकेशन में आ गया है या भर दिया गया है अगर यदि ऐसा है तो इसको रोकने के क्या उपाय हो सकते हैं आशना बिल्कुल इस रो, मैं अगर ऐसा कभी होता है कि किसी एक बच्चे का डाटा आपने मल्टीपल टाइम्स एंट्री कर दिया है तो आप कुछ नहीं आप उसका डाटा उसका नाम उसका आईडी वो सब आप हमें एक हमारी हेल्पडेक्स आईडी इज प्रेशस्ट हेल्पडेक्स डॉट हेल्पडेक्स इस पे आप डाल दीजिए और हमें भेज दीजिए डाटा हम उसको अपने डाटा बेस से उसको मल्टीपल से हटा देंगे और एक सिंगल एंट्री आपके पास शो करेगी उसमें ठीक है तो यानी कि और जो ऑलरेडी आ गए हैं उनके लिए हमारा सिस्टम उन्हें कह देगा कि दिस डेटा इज ऑलरेडी एग्जिस्ट एग्जिस्ट बिल्कुल तो उनका काम आसान हो जाएगा चलिए और आप क्या बताना चाहेंगे जो स्टेक होल्डर्स जैसे आपने शुरू में ही कहा मैम कि अब जो टीचर्स हैं जो हमारे जनरल टीचर्स भी मैं कहूंगा और स्पेशल एडुकेटर और प्रिंसिपल ये तो मेन स्टेक होल्डर्स है ही क्या किसी और का भी कोई इसमें रोल है देखिए रोल जे तो इसमें जैसे प्रिंसिपल ने डेटा अपने स्कूल का कंसोलिडेट कर लिया वो okay. भी ऐप करती है फिर ये प्रिंसिपल का लॉग अब प्रिंसिपल के लॉग में दो चीजें एक्स्ट्रा यहाँ पे हमने हाईलाइट की है टीचर्स और स्पेशल एजुकेटर जब आप टीचर्स पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये आ जाता है जहां पे आपको टीचर्स को दिख रहा है कि आपको किसको वेरीफाई करना है और किसको वेरीफाई नहीं कर है, करना है ओके। okay. और किसको आप कर चुके, कर चुके हैं।, हैं फिर आप अगर स्पेशल uh, एजुकेटर्स पे क्लिक करते हैं तो All आपके right. सामने अगेन वैसे ही लिस्ट आती Same है कि, हाँ कि किसको है। आपको वेरीफाई करना है किसको नहीं करना और ये आपका स्कूल वाइज डेटा ऐप ऐसे ऑटोमेटिकली कंसोलिडेट करती है ओके। okay. तो बिंग प्रिंसिपल आप इस डेटा को डाउनलोड कर सकते हैं और ईमेल में अटैच करके फर्दर अथॉरिटीज को भेज भी सकते हैं Okay. तो ये हमारी ऐप के बारे में अब आपके प्रश्न पर कि कोई और भी स्टेक होल्डर्स इसको इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं okay. अब हमारे जो ब्लॉक रिसोर्स कोऑर्डिनेटर हैं जो क्लस्टर रिसोर्स कोऑर्डिनेटर हैं या डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स कोर्डिनेटर्स हैं अगर उनको ऐप पे काम करना है सो देन दे है इधर एज प्रिंसिपल स्पेशल एजुकेटर और टीचर्स और ये सिर्फ इसलिए चेक एंड बैलेंसेस हैं ताकि बच्चों का डेटा सुरक्षित रहे right. और स्कूल लेवल पर ही रहे okay. और वैसे भी अगर मैं एक क्लस्टर रिसोर्स कोऑर्डिनेटर हूं तो मेरे अंडर 20 या 25 स्कूल्स आएंगे right. तो मुझे क्या करना है मुझे 20 या 25 स्कूल की प्रिंसिपल्स को कहना है कि जी आप ये डेटा जो कंसोलिडेट हुआ है ऐप hmm. पर आप मेरी ई मेल आई पे भेज दें तो okay. प्रिंस एक प्रिंसिपल को सिर्फ एक ऐसी शीट जो अभी स्क्रीन पर आ रही right. थी सिर्फ वही तो लेकर के आगे क्लस्टर रिसोर्स कोऑर्डिनेटर को भेजना है okay. फिर आगे वो अपने आप भेजते रहेंगे आगे hmm. जहां जिसको चाहिए तो मुझे लगता है डिजिटल लिटरेसी की जब हम बात कर रहे हैं चारों तरफ और एजुकेशन सेक्टर में खासकर जो बदलाव आ रहे हैं उसमें ये एक ऐसा सकारात्मक बदलाव है जो एक नई क्रांति लेकर आएगा और कहीं मुझे लगता है गुना काम करना आसान कर देगा बच्चों के लिए भी और टीचर्स के लिए भी हम अपना सत्र समाप्ति की ओर ले चलते हैं आप क्या कहना चाहेंगी कंक्लूडिंग uh, रिमार्क्स आपके कंक्लूडिंग रिमार्क्स यही है कि आप इस ऐप पर काम करने में बिल्कुल मत डरिए कई क्योंकि मेरे पास अक्सर अनऑफिशियल रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि हम लोग तो जी पेपर पेंसिल पे काम कर रहे हैं और ऐप पे नहीं कर रहे हैं जी जी. तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है कोई गलती भी हो जाती है तो हेल्प डेस्क की टीम आपको पूरा सपोर्ट करेगी हुँ. तो आप प्लीज वो छोड़ दीजिए आपको वो नहीं करना है बिल्कुल आप पेपर पेन पे अपनी सहूलियत के लिए काम करें लेकिन मैं आपको रिक्वेस्ट यही करूंगी बार बार ऐप सिर्फ और सिर्फ आपका काम सरल बनाने के लिए है आप ऐप का जितना ज्यादा इस्तेमाल करेंगे उतना ही डेटा ट्रांसफ़र में डेटा मोबिलिटी में बहुत ज़्यादा हमें हेल्प मिलेगी बिल्कुल और हम जैसे बचपन से पढ़ते हैं आज कि मतलब हम बचपन से पढ़ रहे होते हैं कि डेटा को मैनेज करना कितना आसान है जब डेटा में हम काम करना शुरू करते हैं तो तमाम सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं और आज हम हम वन बिलियन लोगों की बात कर रहे हैं और उसी हिसाब से हमारे बच्चे जो हमारे स्टूडेंट्स हैं और जो खासकर सी के बच्चों की हम बात कर रहे हैं तो उनका भी डेटा रखना बहुत आसान हो जाएगा हेल्प डेस्क के बारे में और मैं एक चीज़ पूछ लेता हूँ आज भी हमारे साथ है हेल्प डेस्क से कैसे संपर्क किया जाए यदि किसी को करना हो तो वह बता दें ताकि उनके कोई क्वेश्चंस है क्वेरीज हैं सो 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 दैट दे कैन रीच यू इजीली आप अगर कोई भी आपको क्वेरी है आप उसे प्रशस की हेल्पडेक्स आईडी पे जो कि माय स्क्रीन पे नजर आएगी प्रशस की हेल्पडेक्स आईडी एंड साथ-साथ हमारे जो आईवीआर इस पे उस पे कॉल कर सकते हैं prashas.helpdesk@ डॉट एन इन पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और साथ साथ हमारे आई वी आर एस पे कर। आपको डायरेक्ट कांटेक्ट मेरे से होगा या हमारे और टेक्निकल जो भी कंसल्टेंट है उनसे कांटेक्ट होगा वो डायरेक्ट आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे चलिए ठीक है तो वी आर जस्ट अ कॉल अवे आप बिल्कुल भी परेशान ना हो बिल्कुल ना हिंच के चाहे। कोई परेशानी है कोई क्वेरी है तो जरूर हमसे संपर्क करें डॉक्टर भारती कौशिक आपका बहुत बहुत धन्यवाद Thank बहुत you. आभार कि आप यहाँ प्रशस्त ऐप का ये ओरिएंटेशन लेकर आई आपका बहुत बहुत, 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 बहुत धन्यवाद आशना आपका भी बहुत बहुत Thank शुक्रिया you, कि आपने जो भी टेक्निकल uh, की रिक्वायरमेंट्स थी और खासकर इन्फॉर्मेशन वो हमारे दर्शकों को दी आपका बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू वेरी मच हमारा ये ऑनलाइन ओरिएंटेशन ऑफ प्रशस्त ऐप यहाँ पर हम समाप्त करेंगे आप कहीं मत जाइएगा थोड़ी ही देर में हम फिर हाजिर होंगे रेगुलर हमारे सेशंस चलते रहते हैं आप हमारे तमाम और सेशंस के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए एनसीईआरटी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और एनसीईआरटी इवेंट्स का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल फिलहाल मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत नमस्कार